एस के डोरमेट में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम बिल्ली कुत्ते जैसा डिजाइन का डोरमेट बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमने ये पुरानी साड़ियों की 2 इंच की पट्टी काट ली है। हमें सेफ्टी पिन से बनाना है और सबसे पहले हमें ये लूप बना लेनी है, जिसमें से हमें अपनी पायदान का बेस बनाना है। उसके लिए हम ये रस्सी बनाएंगे, इस तरह से हम इसकी बुनाई करेंगे। तो इस लूप में से रस्सी को ले जाते हुए ये कंप्लीट कर लेंगे, हमें जितना चौड़ा चाहिए, और फिर सेफ्टी पिन की मदद से जैसा वीडियो हम देख रहे हैं उस तरह से एक राउंड हम बुन लेंगे। और फिर यहाँ पर हम दूसरे राउंड में हम अपना कलर लगाएंगे, जिससे हमें अपना डोरमेट बनाना है। तो इस तरह से हम यहाँ 4 बार ग्रीन बुनने के बाद हम जिस कलर से डिजाइन बनाना है उस कलर से 3 बार इसकी बुनाई करेंगे। आपको जो कलर पसंद हो आप उस कलर से अपना डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह से हम 3 बार इस कलर से बुनने के बाद 6 बार ग्रीन से बुनेंगे। 6 बार ग्रीन से बुनने के बाद फिर से हमें तीन बार अपने इस कलर से बुनना है, और हर एक में हम एक ही बार सेफ्टी पिन को ले जाएंगे। और फिर हम अपने पायदान को पलट लेते हैं, इस तरफ हम फिर से ग्रीन की जगह ग्रीन बुनेंगे। और डिजाइन वाले की जगह डिजाइन वाला बुनते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये दूसरी तरफ का है, हम इसको पलट लिए हैं, तो ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा वैसा ही कंप्लीट करने के बाद ग्रीन की जगह ग्रीन बुनेंगे। और जो हमारा डिजाइन वाला कलर है वहाँ पे डिजाइन वाले कलर का बुन लेते हैं। और ये हम बीच में यहाँ 4 बार डिजाइन वाले कलर से बुनेंगे, फिर बीच में हम ग्रीन बनाएंगे, ये भी 4 बार बनेगा। 4 बार बुनेंगे इस तरह से। ये बुनने के बाद फिर यहाँ पर हम अपने डिजाइन वाले कलर से बुनाई करेंगे इस तरह से। हम इसको बुन लेते हैं, फिर ग्रीन की जगह पूरा हम ग्रीन बना लेते हैं। हम ये रेड वाला बुनाई नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ अपने डिजाइन को ही दिखाएंगे। तो हम ग्रीन वाला बना लिए हैं, और अब यहाँ पे हम डिजाइन वाले कलर का जो हम बना रहे हैं क्रीम, उससे वही बुनते हुए ये राउंड पूरा हम बना लेंगे। बीच में भी हम अपने डिजाइन के कलर का ही बुनेंगे, बीच में ग्रीन नहीं बनाना है इस राउंड में। जैसा वीडियो में देख रहे हो ऐसे ही बनाना है, तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे, इधर ग्रीन के जगह ग्रीन बना लेंगे। और अब हम पलट लेते हैं, इस तरफ फिर से ग्रीन की जगह हमें ग्रीन बनाना है। दोस्तों, ये थोड़ा वीडियो लंबा बन गया है, लेकिन अगर आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो डिजाइन नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा आपको समय देना होगा। और इस राउंड में जो जैसा है उसको वैसे ही बुनते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। अगर आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो फिर ये डिजाइन नहीं बना पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ हमने 3 बार एक्स्ट्रा पहले से ही बुन लिया है, जैसा वीडियो में देख रहे हो। ये हमने पलट लिया राउंड, ये अपना पायदान डोरमेट। तो यहाँ पे जैसा वीडियो में देख रहे हो कि हमें आगे पहले से ही 3 बार फंदे बुन लेना है, और फिर पीछे भी हमें एक बढ़ाने लेना है, यानी हम आगे भी 3
फंदे बढ़ाए हैं और पीछे भी एक फंदा बढ़ा लिया है। इस तरह से हम ग्रीन की जगह फिर से ग्रीन बुनेंगे, ये पीछे। इस तरह से फिर से हम पलट लेते हैं और ग्रीन की जगह हम फिर से ग्रीन बुनेंगे, लेकिन इस राउंड में हमें ग्रीन 4 बार बुनना है। ये देखिए हम 4 बार बुन लिए हैं, बाकी फिर से हमें अपने डिजाइन वाले कलर से ही बुन लेना है पूरा। तो हम यहाँ तक पूरा बुन लेते हैं, ये यहाँ तक बुनना है, दो फंदे आगे तक बुनना है। तो हमने बुन लिया है, दूसरी बुन करके राउंड कंप्लीट कर लिया है और अब हम फिर से वापस जा रहे हैं। तो इस तरफ फिर से हमें ग्रीन की जगह ग्रीन 2 फंदे बुनना है। इसमें हम 4 बार ग्रीन वाला नहीं बुनेंगे, सिर्फ 2 बार बुनेंगे और फिर से हम क्रीम की जगह मतलब डिजाइन वाले कलर को डिजाइन वाले जगह बुनते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। आगे ग्रीन का ग्रीन ही बुनेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ तक बुनेंगे, जहाँ भी आपको ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम एक फंदा ग्रीन बनाए हैं और उसके बाद हम इधर पूरा क्रीम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा चेहरा बनना शुरू होगा। तो ये हम यहाँ ग्रीन एक फंदा बुन लिए हैं, फिर 4 फंदा अपने डिजाइन वाले कलर से बुनाई किए हैं, बाकी जो ग्रीन है उसको हम ग्रीन ही बुनकर वापस आ जाते हैं। तो दोबारा हम फिर से यहाँ पे क्रीम वाला कलर ही बुन लेते हैं, यानी डिजाइन वाला कलर बुन लेते हैं यहाँ तक, जहाँ तक हमने ग्रीन बनाया है। अब ये इस ग्रीन वाले जगह में भी हमें क्रीम कलर से ही बुन लेना है और इसके बाद हमें फिर से ग्रीन बनाना है। तो अभी हम 4 बार ग्रीन कलर बुनेंगे। 4 बार ग्रीन कलर बुनने के बाद फिर से हम क्रीम कलर लगाएंगे, अपना डिजाइन वाला कलर लगाएंगे। इस तरह से यहाँ तक हम अपने डिजाइन वाले कलर से बुनाई कर लेंगे। इस तरह से हम इसको बुन लेते हैं और फिर यहाँ से हम 4 फंदा ग्रीन वाला बुनने के बाद 4 फंदा डिजाइन वाला बुनने के बाद 2 फंदा ग्रीन वाला बुनेंगे। फिर से 2 फंदा अपने डिजाइन वाले कलर से बुनना है, यानी कि 5 फंदा क्रीम बुने हैं, 4 फंदा ग्रीन, फिर से 4 फंदा क्रीम वाला बुने हैं, फिर 3 फंदा ग्रीन बुने हैं, फिर ये 3 फंदा फिर से क्रीम बुन रहे हैं और फिर से लास्ट में हम 2 फंदा ग्रीन बुनेंगे। इस राउंड में ऐसे इस तरह से बुनना है। उसके बाद फिर से हम 2 फंदा ग्रीन करके पलट जाते हैं और फिर क्रीम की जगह क्रीम वाला बुन लेना है। उसके बाद हमें पूरा ग्रीन कलर से बना लेनी है। जहाँ तक हम ग्रीन बनाए हैं वहाँ तक हमें ग्रीन बना लेना है। तो ये देखिए हमने ग्रीन बना लिया है और इधर फिर हमें जितना चेहरा के लिए हमने इधर छोड़ा है ऊपर हम वैसे ही बुन लेंगे। 4 फंदा 2, 3, 4, ये 5 बार बुनना है, 5, 1, 6 बार बुनना है। 6 बार बुन के फिर इधर ग्रीन का ग्रीन बुन लेंगे और फिर ग्रीन बुनते हुए वापस आ जाएंगे। तो हमने ग्रीन बुन लिया है और वापस आ जा रहे हैं। फिर से हम क्रीम की जगह क्रीम और ग्रीन की जगह ग्रीन, फिर से क्रीम की जगह क्रीम कलर और ग्रीन की जगह ग्रीन कलर, इस राउंड में ऐसे ही बुनना है। तो इस राउंड में हम जो जैसा है उसको वैसे ही बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे
क्रीम और यहाँ पे ग्रीन, वहाँ पे क्रीम, लास्ट में फिर दो फंदे क्रीम, और फिर यहाँ पर हम एक फंदा क्रीम ग्रीन के जगह ग्रीन बुनने के बाद यहाँ पे हम दो फंदा क्रीम वाला बुन लेंगे, उसके बाद तीन फंदा बुन लेंगे, उसके बाद हमें फिर से ग्रीन वाला पूरा ग्रीन बुन लेना है। ग्रीन वाला ग्रीन बुन लिए हैं और क्रीम वाला फिर से हमें क्रीम बना लेना है इस राउंड में, बाकी वैसे ही कर लेना है। हमें पूछ की तरफ वो बनाना था और इधर चेहरे की तरफ जो जैसा है वैसा ही बना लेना है। ये तीन राउंड हमने बना लिया है चेहरे और पूछ को, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है फिर से। कुल मिलाकर हमें 5 राउंड बनाना है चेहरे और पूंछ के लिए, और अब यहाँ से हमें एक फंदा क्रीम वाला बनाना है जिससे कि हमारा पूंछ कंप्लीट हो जाए और ग्रीन की जगह हमें पूरा ग्रीन बना लेनी है। इतना हम बना लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। ये हमने दो फंदा क्रीम वाला और दो फंदा क्रीम ग्रीन वाला बनाने के बाद बीच का भी हमने ग्रीन वाला बना लिया है, और अब हम यहाँ तीन फंदा क्रीम वाला बनाने के बाद एक फंदा हमें बीच में ग्रीन बनाना है और बाकी जो जैसा है उसको वैसा ही बना देंगे, हमारा चेहरा कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम यहाँ गला बना रहे हैं, यानी कि अब हमें चेहरे को आकार देना है। तो पहले हम गले में पट्टी की तरह रेड कलर से बना लिए, फिर चेहरा बना रहे हैं। ये मुख हो गया, इसी तरह से हम दो आंखें बना लेंगे इस तरह से, ये देखिए। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इससे बड़ा और छोटा बना सकते हैं, इसके ऊपर और बुनते जाइए तो बड़ा सा पायदान बनकर रेडी हो जाएगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।